नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के 138 दिन बाद भी मंदिर की नींव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे देश की प्रतिष्ठित भवन निर्माण संस्थाएं सवालों के घेरे में आ गई हैं। आपको बता दें कि लार्सन एंड ट्रूबो ने मंदिर की नींव के लिए भूमिगत खंभे की डिजाइन केंद्रीय भवन शोध संस्थान रुड़की, IIT चेन्नई और NIT सूरत की मदद से तैयार की थी और अब नींव की समीक्षा करने के बाद हाई एक्सपर्ट कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को सौंपेगी। इस पर मंदिर के आर्किटेक्ट CB सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने कहा, मंदिर शास्त्र में परंपरागत तरीके से चूने और पत्थर से ही मंदिर की नींव तैयार की जाती है। कुछ मंदिरों में हमने आधुनिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। जहां तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की बात है तो उसकी नींव कैसी हो इस पर बनी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि नींव तैयार करने वाली एजेंसी का मानना है कि जन्म स्थान की जमीन की वजन सहने की क्षमता कम है। सबके अपने अपने विचार हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहे देश के सबसे बड़े 260 फीट ऊंचे जैन मंदिर के आर्किटेक्ट स्नेहिल पटेल ने कहा कि राम मंदिर की नींव में अड़चन के पीछे इसकी डिजाइन है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रस्ट ने खंभों पर नींव तैयार करने के लिए शुरुआती तौर पर LNT को 29.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद 14-15 सितंबर को टेस्टिंग के लिए 2 स्थानों पर 10 टेस्ट पिलर तैयार किए गए हैं। 1 मीटर मोटे 100 फीट गहरे इन पिलर्स को सीमेंट और कंक्रीट से तैयार किया गया है। 28 दिन पकने के बाद इनकी टेस्टिंग विशेषज्ञों द्वारा की गई, लेकिन पिलर की टेस्ट रिपोर्ट संतोषजनक नहीं रही। इसके बाद मिट्टी को लेकर सवाल खड़े किए गए। ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर यानी TCI को दी गई है। चलिए अब आपको वो सवाल बताते हैं जिनके जवाब कमेटी देगी। मिट्टी दुरुस्त है या नहीं, मंदिर की भूकंपरोधी डिजाइन का मूल्यांकन सही है या नहीं, मंदिर के डिजाइन को देश विदेश में बने मंदिरों से अध्ययन करें, प्रस्तावित नीम के तरीके का मूल्यांकन, मिट्टी में जहरीले रसायनों की मौजूदगी का असर और भूकंप से बचाव के उपायों की समीक्षा, साथ ही भूमिगत पानी का असर। अब रिपोर्ट मिलने के बाद तय किया जाएगा कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। चलिए अब आपको मंदिर की ग्राफिकल डिजाइन दिखाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।